हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देव डिजिटल क्लासेस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैथ का एक छोटा सा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को हमने चाहे वर्ग बोलिए या वर्गमूल बोलिए या घन बोलिए या घनमूल बोलिए, इन्हीं टॉपिक से हमने क्वेश्चन को उठाया है और इस तरह का क्वेश्चन भी कभी ना कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि रूट अंडर 15 इक्वल टू 3.88 है तो रूट अंडर 5 बाई 3 का मान क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन दिया है कि रूट अंडर 15 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें पता करना है रूट अंडर 5 बाई 3 का वैल्यू, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करने से पहले एक बात समझिए कि रूट अंडर 15 जो है किस तरह का नंबर है। तो देखिए रूट अंडर 15 एक इरेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसको हम लोग बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वही परिमेय संख्या किसको कहते हैं? मतलब रेशनल नंबर जिसको हम लोग बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, मतलब ये अपरिमेय संख्या है, मतलब इरेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि इसको बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? सुनिए, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहेंगे तो एक तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, और निकालना भी चाहेंगे तो पॉइंट देना पड़ेगा, और पॉइंट के बाद जो नंबर आएगा वो रुकेगा नहीं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बात समझ में आ रहा है? और हर बार क्या होगा, हर बार जो है अलग अलग आएगा, डिफरेंट नंबर आने वाला, यानी कि नॉट रिपीटिंग। तो सुनिए, एक तो नंबर रुकेगा नहीं और एक बार और क्या, हर बार अलग अलग आएगा, जिसके कारण से इसको हम लोग बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब डेसिमल हटा के बट्टा के रूप में लिखना चाहेंगे ना तो नहीं लिख पाएंगे। इस कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। वही परिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो जिसको बट्टा के रूप में लिखते हैं, या फिर डेसिमल के बाद में अगर नंबर रुका हुआ है उसको हम लोग कह सकते हैं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, या फिर डेसिमल के बाद जो है नंबर जो है रुका नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन वो रिपीट कर रहा है, तो उसको भी हम लोग बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, मतलब वो भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पॉइंट के बाद नंबर तो रुकेगा नहीं और हर बार अलग अलग नंबर आएगा, जिसके कारण से इसको हम बट्टा के रूप में निकालना चाहेंगे तो नहीं लिख पाएंगे, बट्टा के रूप में नहीं लिख पाएंगे, इसलिए मेरा अपरिमेय संख्या। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका मतलब ये जो वैल्यू दिया हुआ है ना, ये अप्रोक्स में है, लगभग में है। बात समझ में आ रहा है? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या सॉल्व करना है? रूट अंडर 5/3, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम अलग अलग लिखते हैं, क्या रूट अंडर 5 लिख सकते हैं, रूट अंडर 3 लिख सकते हैं, ठीक है, रूट अंडर 3। अब क्या करेंगे, अब हम इसका रेशनलाइज करेंगे। किसका रेशनलाइज? डेनोमिनेटर का, मतलब परिमेयकरण करेंगे। किसका? हर का। तो हर में क्या है, हर में क्या है? रूट अंडर 3, यही ना है। तब क्या करेंगे, इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? ये क्या होगा, रूट अंडर 5 रूट अंडर 3, ये हो जाएगा रूट अंडर 15 रूट अंडर 3 रूट अंडर 3, तो ये मेरा क्या होगा, 3। अब देखिए रूट अंडर 15 का वैल्यू दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 3.88 और नीचे क्या है, 3। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, 3.88 क्या करेंगे डिवाइड करें, 3 1 जा 3 कट गया, पॉइंट है तो यहाँ रख लेंगे, 3 2 जा 6 कितना बचे, 2 8 उतार लिए तो 3 9 जा कितना हो गया, 27। देखिए एक बचा, पॉइंट है ही तो 0, 3 3 जा 9 फिर कितना, 1, पॉइंट है ही 0, फिर 3 3 जा 9 मतलब यहां भी 1, इसका मतलब है कि अब 3 रिपीट करने वाला है। बात समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर यहां लिख देते हैं, इसका आंसर होगा 1.293 पर रेकरिंग। देखिए यानी 3 अब क्या होने वाला है, रिपीट करने वाला है। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शन में है, तो देखिए पहला ऑप्शन मैच कर गया, 1.293 पर क्या है, रेकरिंग है, इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन नहीं आएगा। अब यहाँ पर एक सवाल है, क्या ये मेरा रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, क्या है ये? ये मेरा रेशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम लोग बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि पॉइंट के बाद देखिए नंबर रिपीट कर रहा है, रुका नहीं है। देखिए एक तो रुका नहीं है लेकिन रिपीट तो कर रहा है, देखिए क्या होगा, 3 रिपीट करेगा, इसका मतलब इसको हम लोग बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या है। बात समझ में आ गया, क्लियर है? चलिए उतारिए इसको, ठीक है, चलिए उतार लीजिए इसको, कॉन्सेप्ट क्लियर है, पूरी तरह समझ में आ गया, उतारिए।